नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है NHPC लिमिटेड। इस स्टॉक 103 के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। फ्राइडे को इसने 0.28% का अपमूव दिया था। मार्केट कैप हो गई है इसकी 1,03,052 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग है इसकी 67.40%, बुक वैल्यू इसकी 38.50 है, डिविडेंड यील्ड 1.80% है, फेस वैल्यू 10 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, आप देख सकते हैं। अभी के लिए शॉर्ट में देखते हैं स्टॉक 50 एंड 200 दोनों डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। पी रेशो की बात करें तो मीडियम से 5 इयर्स के टाइम स्पैन पे काफ़ी ऊपर है। 1 मंथ के टाइम स्पैन पे देखें तो बिल्कुल मीडियम पे है, तो इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेल्स एंड मार्जिन देखें तो 5 इयर्स के टाइम स्पैन पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 113.05 पे है, काफ़ी अच्छे लेवल पे है। एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुई थी। अभी के लिए चलते हैं हम इसके चार्ट पे। चार्ट पे देखिए, यहाँ पे हमें एक बहुत सुंदर सा यहाँ पे डॉजी बनता हुआ दिखा है काइंड ऑफ। तो अभी के लिए हमने पहले भी बात करी थी कि स्टॉक ना जब इसके चैनल के अंदर आएगा तो थोड़े से हिकअप लेगा। चैनल के अंदर इसने क्लोजिंग तो दी थी, उसके बाद बाहर चला गया था, एंड ये रेजिस्टेंस को इसको फेस करना ही पड़ना था। एंड पिछले इतने दिनों से ये वाली रेजिस्टेंस काफी दिनों से कर रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 1 वीक हो गया है, मतलब 1 ट्रेडिंग वीक नहीं, 1 नॉर्मल डेज का वीक हो गया। 7 दिन हो चुके हैं पिछले ट्रेडिंग वीक के, 2 दिन इस ट्रेडिंग वीक के सारे दिन यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पा रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे काफी हमें दुविधाजनक स्थिति बनी हुई है हमारे लिए थोड़ी सी, क्योंकि एंट्री पॉइंट से अगर देखा जाए तो यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा न्यूट्रल है। एक बार वीकली चार्ट हम देखते हैं कैंडल, तो वहां पे भी न्यूट्रल ही आएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि हमें खुद ही पता चल रहा है। तो यस, यहाँ पे भी न्यूट्रल सा माहौल बना हुआ है, कुछ खास माहौल नहीं बना है। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस के ऊपर ही गया है बड़ी बार, बट रेजिस्टेंस के नीचे क्लोजिंग दी है। तो अभी के लिए देखे तो वो मुझे कहीं ना कहीं स्टॉक सेलर्स के हाथ में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस काफी, ये सपोर्ट काफी स्ट्रांग था एंड इसको ब्रीच कर चुका है 103 का, तो अभी इसको ब्रीच कर चुका है एंड मुझे लगता है कि थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पे। तो अभी के लिए देखें ये सपोर्ट कितने का था, जस्ट सेकंड, हम 103.15 का, 125 का। तो अभी के लिए RSI जो है 65.03 पे है, RSI करेक्ट हो चुकी है काफी अच्छे तरीके से। एक बार हम चलते हैं इसके ऊपर एंड वीकली चार्ट पे तो ये है, एंड यहाँ पे डेली चार्ट पे अगर क्लोजिंग देखें 102.60 की है, तो छोटू सा उसके नीचे है। हो सकता है कि यहाँ पे हमें अगर इस कैंडल को देखें तो इस कैंडल में तो ये लग रहा है हमें कि ये थोड़ा सा हो सकता है कि यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो। वैसे इस सपोर्ट काफी स्ट्रांग लगा हुआ है, 101.40 का जो सपोर्ट है ये काफी स्ट्रांग लगा हुआ है, एंड मुझे लगता है कि यहाँ से रिवर्सल हमें जरूर मिल सकता है। तो इसके बीच में हो सकता है कंसोलिडेट करे अगर वॉल्यूम ना आए। तो वॉल्यूम की बात करें तो आज जो वॉल्यूम फ्राइडे को जो वॉल्यूम आया था 47.91 मिलियन का था, उससे पहले 42 मिलियन का था, उससे पहले 47 मिलियन का था, उससे पहले 68 मिलियन का, तो वॉल्यूम भी थोड़ा सा ना ड्राई होता जा रहा है। बट ठीक है, यहाँ 42 से यहाँ पे 47 बढ़ा है, 48 के आसपास आया है, तो वॉल्यूम जरूर बढ़ा है। हो सकता है कि ये रिवर्सल हो एंड कल हमें ट्यूसडे को हमें मिल जाए यहाँ पे थोड़ी सी कंफर्मेशन कैंडल। तो अभी एंट्री के पॉइंट से बात करूं तो जब तक ये 103.15 के ऊपर ये सस्टेन नहीं करता है, क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक मैं यहाँ पे कभी भी एंट्री नहीं बनाऊंगी। बट हाँ, दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि अगर मार्केट में आपको लगता है कि फर्स्ट हाफ में हमें काफी अच्छा वॉल्यूम आ गया 40-50 मिलियन के आसपास का, एंड अप मूव हमें देखने को मिल रहा है, एंड जो सेलिंग के ऑर्डर होते हैं, जैसे मैं तो ICICI डायरेक्ट पे भी देखती हूँ कि, क्योंकि मेरा उसमें भी एक अकाउंट है, तो मैं उस पर भी देखती हूँ कि हाँ कितने का ऑर्डर है एंड क्या है, तो कितने का बाइंग सेलिंग का, उसका कितना परसेंट बाइंग पे, कितना परसेंट सेलिंग पे, तो उससे भी थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। तो वो छोटी छोटी चीजें हैं, उनको एनालाइज करके भी आप देख सकते हैं। तो ये जो हमारे टारगेट हैं ये हम लेके चले हैं 20 जून के, अब क्योंकि ये हमारे टारगेट अचीव नहीं हुए, ये रेजिस्टेंस से निकल ही नहीं पाया। तो रेजिस्टेंस से जैसे निकलेगा तो मुझे लगता है कि 21 जून के बेसिकली, क्योंकि नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक 21 जून को खत्म हो रहा है एंड 4 ट्रेडिंग डेज है हमारे पास सिर्फ, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक के टारगेट अचीव कर सकता है। एंड ये है मंथ के एंड के टारगेट, तो टारगेट्स हमारे वो हो चुके हैं एंड मंथ के एंड के टारगेट हैं। तो ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, एक बार BSE पे चल लेते हैं। BSE पे देखिए इसका प्राइस बैंड जो है वो 20% का है, एंड यहाँ पे न्यूज पुरानी है 11th की, अभी कोई इनिशियल इमीडिएट ऐसी कोई न्यूज नहीं है जो इसके प्राइस के अपने डाउन मूवमेंट किसी तरीके की मदद करेगी। तो हमारे पास सिर्फ टेक्निकल्स ही हैं, टेक्निकल्स में आपको बता चुकी हूँ कि क्या हो सकता है। तो रेस्ट ये सिर्फ मेरी
एनालिसिस है, कोई बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जाने समझे पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।